हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जो भी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सी एक टिप है लेडीज़ के लिए, जो सूट सिलने के लिए काफ़ी काम आती है। थंबनेल देख के आप लोगों को पता भी चल गया होगा। तो चलो आगे चल के अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये एक कपड़ा लेना पड़ेगा, प्लेन सा, कोई भी छोटा सा, जिससे आपकी मतलब सीधी सीधी दो पट्टियाँ बन जाए। तो ये देखिए मैंने काट लिया और ये दो पट्टी मेरी बन गई हैं। अब मैं इनको ना फोल्ड कर लूँगी ऐसे नॉर्मल, जैसे भी पट्टी बनाते हो आप, मशीन से बनाते हो, लेकिन इसको हम हाथ से लगा रहे हैं तो हमें इसमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो मेरी दो पट्टियाँ बन गई हैं, एक ये बन गई है। ये कॉटन का कपड़ा था ना, तो बड़े ही आसानी से ये मुड़ भी गया है। और इसको मोड़ने के बाद मैं रख लूँगी। मैंने ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि अगर बच जाएगी तो साइड में से काट दूँगी मैं इसको, फिर छोटी रह जाती है तो परेशानी होती है। ये देखो दोनों पट्टियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब डाल लेते एक बार सुई में धागा और फिर उसके बाद हम इसको लगाने का काम कर देंगे स्टार्ट। और ये मैं हाथ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब तुरपाई करते हैं ना तो उसके साथ साथ ही लग जाता है। कभी कभी ना मेरे को इसको मशीन से लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कपड़ा खिसक जाता है या फिर कुछ भी। तो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे हमें ये लगानी होती है पट्टी, चाक जहाँ पे ख़त्म होते हैं बिल्कुल वहीं पर इस पट्टी को लगाते हैं। जिनको नहीं लगाना आता या फिर बिल्कुल पहली बार वो लोग ये चीज़ देख रहे हैं, तो ये देखो इस पट्टी को हम यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद हम इसको सिलाई लगाना कर देंगे स्टार्ट सुई से ही। क्योंकि जब ऐसे मशीन से लगाते हैं ना तो मशीन घुमानी पड़ती है इधर से लेके जाते। एक बार ना मैंने इस पट्टी को सीधे साइड रख दिया था कुर्ते पे, जब मैं भी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लगाना सीख रही थी, ऐसे ही लोगों की वीडियोज़ देखती थी तो, या फिर सूट पे लगा हुआ देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश मैं कर रही थी, तो मैंने सीधी साइड पे लगा दिया था। फिर मैंने देखा कि ये नहीं है, तो देखा ये हमेशा उल्टी साइड पे लगाया जाता है सूट पे। ये देखो कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है हाथ से ही। और अगर आप लोगों को मशीन से लगाना आता है तो आप मशीन से भी लगा सकते हो। अभी मैं एक बार जल्दी जल्दी से इसको लगा दूँगी पूरे को, छोटे छोटे से इटाके लगाने पड़ते हैं इसमें, जैसे तुरपाई कर रहे होते हैं तो यहाँ तक तुरपाई आई पूरी होके। जब कई बार हम आई बनाते हैं ना तो वो आई फट जाती है जब सूट खिंचता है ना साथ में, लेकिन जब ये पट्टी लगी होती है ना तो आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फटेगा इधर से। मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ या तो वो पकड़ के खींच देते हैं या फिर मेरा ही दब जाता है कभी नीचे कुर्ता, तो यहाँ से कुर्ता फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आजकल तो कॉटन के सूट ऐसे ही आए हुए हैं जो फट ही जाते हैं, तो ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। कभी भी लगा सकते हैं इसको तो आप, या फिर कोई जो आपका पुराना सूट रखा हो तो उसमें भी यूज़ कर लेना आप। ये देखो कितने अच्छे से लग गई है बिल्कुल पट्टी, 2 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं इसको लगाने में दोनों साइड पर। अभी देखो लग के हो जाएगी रेडी। और ये इवान पीछे से देखने आ रहा है कि मैं क्या करने लग रही हूँ, पूछ रहा है मेरे से। ये एक साइड की हो गई है रेडी, ये देखे। और अभी मैं दूसरी साइड की भी लगा लेती हूँ एक बार जल्दी से ऐसे ही फटाफट से, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दोनों साइड लगने के बाद ये कैसी लग रही है। हो गई, ये देखो कितने अच्छे से और बिल्कुल सफाई से लग गई है ये, और थोड़ा सा ही टाइम लगा है। तो आप लोग भी इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर करना एक बार अपने किसी भी नए या पुराने सूट पे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोगों की बहुत हेल्प मिलती है। और अभी वीडियो देखने के बाद बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये टिप। अगर कभी आप मशीन के काम के टाइम मतलब भूल जाओ तो बाद में आप लोगों के यूज़ में आ सकती है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।